अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नई सुबह स्टार्ट हो चुकी है। ये तो आपको मेरा बर्तन चूल्हे पर रखने से ही पता चल गया होगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम चाय पीते हैं। जब तक चाय का एक बड़े सा कप ना पी लो ना, तो बंदे की आंखें ही नहीं खुलती। खासतौर पर मेरे जैसे बंदे की तो आंखें नहीं खुलती। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। चीनी में मैं ब्राउन शक्कर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे वाइट जो है वो इतनी खास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ये जो है ना ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ। अब इसमें हम दूध डालते हैं। ये लेंगे झटपट, हमारी चाय तो तैयार हो गई है। अब हम इसे निकालते हैं कप में, और ये मैंने दूसरे फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रखा है, तो इस पे ना मैंने एक ब्रेड का पीस रखा है और उसे मक्खन लगाया है। ये मैंने इसे मक्खन इसलिए लगाया है कि ये ब्रेड भी बेचारी खुश हो जाए कि मुझे मक्खन लग गया है। तो अब मैं इसे नाश्ता करूँगी। आज मेरा दिल पराठा खाने को नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलिए ब्रेड का एक पीस ले लेती हूँ चाय के साथ। ये देखे जी, मेरा नाश्ता तो हो गया तैयार। अब मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ और उसके बाद सोचते हैं कि आज हमने पकाना क्या है। तो ये भी एक हमारी एक बहुत बड़ी सरदर्दी है कि हर रोज़ पकाना है, हर रोज़ पकाना है। पहले घंटा सोचना है कि आज हम क्या पकाएं, क्योंकि सब घर वालों की पसंद को देख के पकाना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खाती हूँ और मेरे बच्चे नहीं खाते, कुछ चीज़ें जो है वो बच्चों को पसंद है और मुझे नहीं पसंद। तो चले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लंच के लिए मैं बना रही हूँ फ्राई भिंडिया। तो ये देखें, ये मेरे पास है भिंडिया तकरीबन आधा किलो, और मैंने दो अदद दरमियानी साइज़ के प्याज भी काट लिए हैं। कुकिंग ऑयल है, चिली पाउडर है, धनिया पाउडर और नमक। ये मैंने दो अदद प्याज काट लिए हैं, और सब्ज मिर्ची जो थी दो अदद, उन्हें भी मैंने तकरीबन भिंडियों के साइज़ में ही काटा है। और ये रहा जी सब्ज धनिया। ये मैंने बर्तन को चूल्हे पे रख लिया है। अब इसमें ऐड करती हूँ कुकिंग ऑयल। और इसमें हम भिंडिया भी डाल देते हैं, और साथ ही मैंने जो सब्ज मिर्ची काटी थी वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। जब आप ये भिंडियों को पकाने से पहले फ्राई करेंगे तो फिर इनके अंदर जो लेस है वो खत्म हो जाती है, और इस तरह भिंडी बहुत ही कुरकुरी और अच्छी बनती है। ये हमने 2 मिनट के लिए भिंडियों को फ्राई कर लिया। ये देखें, इसमें किसी किस्म की कोई लेस नहीं रही। अब हम इसे जो है बर्तन से निकाल लेते हैं। अब जिस कुकिंग ऑयल में हमने भिंडियों को फ्राई किया था उसी में हम प्याज शामिल करते हैं। प्याज
को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। इससे ज़्यादा मैंने इसका कलर चेंज नहीं करना, ऐसे थोड़ा सा इन्हें सॉटे करना है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं टमाटर, हम इसके अंदर तमाम मसाला जार डालते हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डालते हैं। ये देखें टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने भिंडियां फ्राई की थी वो डालते हैं। और इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब हम चूल्हे की फ्लेम आस्ता करके इन भिंडियों को तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि हमारी कितनी मज़े की मसाला भिंडी की डिश रेडी होती है। ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उतार के देखते हैं कि हमारी मसाला भिंडियाँ या फ्राई भिंडियाँ कैसी बनी है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मसाला भिंडी कह लें, फ्राई भिंडी कह लें। मुझे यकीन है कि जब आप इस तरीके से भी निकल पाएंगे तो सब आपको दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन उतार के पकाएंगे ताकि इसमें अगर कुछ थोड़ा पानी था तो वो खुश्क हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह इसे डिश आउट करेंगे। अब इसके ऊपर जो मेरे पास कटा हुआ सब्ज़ धनिया था वो मैं डाल रही हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी फ्राई भिंडी मसाला भिंडी रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्राई भिंडी के साथ मैंने चपाती बनाई है तंदूर की, ये देखें। तो अब हम खाना खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।